दर्शकों जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दर्शकों आज हम लोग बात करने वाले हैं, कभी काल आप देखते हैं जब आपको किसी चीज की बहुत आवश्यकता होती है और आपके पास पैसे नहीं होता, तो आप ये सोचते हैं कहीं से उधार ले लो, लोन ले लो और इस कार्य को आज कर लो और फिर जैसे जैसे होगा धीरे धीरे पैसा वापस कर देंगे। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि आप पैसा समय से वापस कर सके, क्योंकि उसका ब्याज, उसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि आप धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं और बहुत से लोगों का ऐसी स्थिति होता है। ऐसे में हमें कर्म के साथ साथ धर्म को कैसे जोड़ा जाए और कुछ ज्योतिषी रेमेडी के द्वारा उस कर्म में हम ज्योतिषी रेमेडी को मिला करके, धर्म को मिला करके उस कर्म से कैसे मुक्त होंगे, इसी पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो का जो मुख्य धारा होगा, कर्ज से मुक्ति कैसे पाए, इसके लिए एक आपसे विशेष आग्रह। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, इसे शेयर करिए और लाइक करिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में एक आपसे विशेष आग्रह, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, इन दो नामों को जरूर लिखिए। अगर इस नाम को आप लिखते हैं तो इस नाम में भी बड़ा ताकत है, शक्ति हमें बहुत कुछ देता है। तो ऐसे में इस नाम को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने सुझाव जरूर दीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कि कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, इसके लिए पहला रेमेडी ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार आपको, आप शुद्ध ताम्र तांबा पर बने एक कनक धारा स्तोत्र आता है, कनक धारा यंत्र। आप कहीं से भी इस मार्केट से कनक धारा यंत्र खरीद के लाइए, ला करके एक लाल कपड़े के ऊपर उसे रखिए। जहां घर में आपका पूजा स्थल है, मंदिर है, वहां पर एक लाल कपड़ा सामने बिछाइए, उस पर ला करके तांबे पर बना जो कनक धारा यंत्र है उस पर रखिए और रख करके उस पर पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ा करके पूजा करिए और लक्ष्मी का पूजन करने के साथ साथ उस पर विशेष रूप से मंदिर में अपने स्थापित कर लीजिए। स्थापित करके आपको लगातार 54 दिन तक, 54 डेज तक एक काम करना है। स्तोत्र आता है जिसका नाम है कनक धारा स्तोत्र, जिसका पहला शुरुआत मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयते भृंगांगने व मुकुला भरणम समालम अंगीकृता किल विभूतिरपांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। ऐसे ही कुछ स्तोत्र है। इस पूरे स्तोत्र का पाठ आपको एवरीडे 54 दिन 54 डेज तक करना है और ये 54 डेज इधर पूरा करिए और फिर देखिए आपके पास अचानक कर्ज से मुक्ति का समाधान कैसे दिखने लगेगा, रास्ता दिखाई देगा, कोई साधन बन जाएंगे और जिसके कारण आप कर्ज से मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आपका जो अभी तक तनाव था मानसिक रूप से कि कर्ज से छुटकारा कैसे पाएंगे, आपको रास्ता दिख जाएगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, दूसरा उपाय है एक लाल कपड़ा जो बिल्कुल चौकोर होना चाहिए, चौकोर किसी भी माता रानी के मंदिर में या घर में मूर्ति हो या घर में पिक्चर हो उनके सामने उस कपड़े को रखिए और उस पर चंदन का जो लकड़ी होता है रेड चंदन, उस पर तीन लकड़ी जरूर रखिए, तीन टुकड़ा उसमें लकड़ी का रख दीजिए और उस पर गुलाल, रोली, लाल मौली ये सब रख करके और प्रयास करिए कि 48 सिक्का यानी कि 48 सिक्के एक रुपया के उसी कपड़े में, जो चौकोर कपड़ा चंदन रोली मौली और गुलाल इत्यादि के साथ उस पर 48 सिक्के रखने हैं। सिक्के रखने के साथ साथ उसको चारों तरफ से कॉर्नर उठा करके और एक झोली उसको बांध करके झोली पोटली बना लीजिए और पोटली बना करके अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपका जहाँ गुलक होता है या तो उस गुलक में रख दीजिए और अगर आप बिजनेस व्यापार नहीं कर रहे हैं तो घर में ऐसे जगह अलमारी में रखिए जहाँ पर उससे कोई स्थान परिवर्तन नहीं करा जाए, हिलाया नहीं जाए, ऐसे जगह पर सुरक्षित रखिए और उसको लगातार 90 दिन तक घर में रखना आपको, 3 महीना, और फिर देखिए कि आपके भाग्य में
कर्ज से मुक्ति का रास्ता कैसे दिखता है, ये छोटे छोटे रेमेडी है जिसे आपको करना है। तीसरा रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकता है, वो क्या है। लेकिन जो पोटली का काम मैंने बताया था उसको आपको नवरात्र में करना है, और दिन में नहीं, सिर्फ नवरात्रि में हो सकता है। तीसरा उपाय आपको मैं शेयर करने वाला हूं कि प्रत्येक दिन जब आप कर्ज में बहुत परेशान हो रहे हैं तो प्रत्येक दिन एवरीडे रोज सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को तांबे के बर्तन में लोटे में जल भर के उसमें रोली लाल रोली डालें और एक लाल फूल डाल करके और भगवान सूर्य नारायण को सूर्य अर्घ दें, और सूर्य अर्घ देते वक्त पहली बार गायत्री बोले थोड़ा सा जल छोड़े, दूसरी बार गायत्री बोले थोड़ा सा छोड़े, और तीसरी बार में पूरा अर्घ दें। ये रोज आपको करना है और एक कंटिन्यू आपको करना होगा 90 दिन कंटिन्यू एवरीडे, ये करके देखिए आपको कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखाई देगा। चौथी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, शयन कक्ष जो आपका सोने का जो कमरा है, आप प्रयास करिए अपने घर के पश्चिम और दक्षिण वाला कमरा ले लीजिए आपके लिए सबसे, या पश्चिम दिशा में प्रयास करिए, अगर ऐसा नहीं है तो पश्चिम दिशा में उस कमरे को आप शिफ्ट करिए और वहां जाते ही आपका कर्ज से मुक्ति का समाधान दिखना शुरू हो जाएगा। कभी काल वास्तु में भी चेंज करना जरूरी हो जाता है। पांचवी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आप आटा खरीदते हैं तो आपको दो ही दिन आटे लेके खरीद घर में लेके खरीद के लेके आना है। कौन कौन दिन होगा, एक थर्सडे और दूसरा ट्यूसडे, यानी कि वीरवार गुरुवार और मंगलवार के दिन, बाकी दिन आप आटा खरीद के मत लाएं। अगर आप गेहूं पिसाते हैं मशीन से पिसा के लाते हैं तो भी दो ही दिन में ही करना है, तीसरे दिन में कभी नहीं करें, नहीं तो कर्ज से छुटकारा नहीं होगा। आप ऐसे करके देखिए आप फिर कर्ज से कैसे मुक्त होते हैं और आपको कैसे समाधान दिखता है। तो चिंता नहीं करें, समाधान करें, और समाधान होगा तो निश्चित रूप से आप स्ट्रेस फ्री होंगे। तो मैं आपसे विदा लूंगा, लेकिन आपसे अंतिम में फिर से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय श्री राधे।